के प्रतिष्ठा सेना के सम्मान से जुड़ा विषय है। जो सेना शहीद होता है उसका पिता जेल में बंद कर दे, क्या ये गुंडा राज है? आपने सरकार जवाब दे। कानून अपना काम कर रहा है महोदय, तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है। कानून के तहत सदन जबरदस्ती नहीं चलेगी। जबरदस्ती नहीं है, मंत्री डॉक्टर ने माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। जो आपके माननीय मंत्री सेना का अपमान किए उनसे सदन में माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफी नहीं मांगे। जब स्मारक बनाने की बात है, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भैया हम अपने ही फंड से बनवा देंगे। जब काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं हमारा जमीन छोड़ दीजिए, जो बगल का किसी और का जमीन है वहां, जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था वो हम लोग बना सकते थे, लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं यहाँ नहीं किसी और के जमीन में। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आग्रह करेंगे कि आसन सदन के संरक्षक है, और आसन अगर जो सत्ता पक्ष के इशारे पर एक्टिविटी करे और उनके इशारे पर कार्य करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र के लिए है। और अध्यक्ष महोदय, कल भी यही घटना दिखाई पड़ी, आज भी यही घटना। विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं जो आज उप मुख्यमंत्री है, हमेशा प्रारंभ में सदन जब शुरू होता है बोलने का मौका देते हैं, एक बार सुन लेते हैं विषय, विषय सुनने के बाद फिर कार्य मंत्रणा कार्य स्थगन की बात होती है। आप इतने देर तक लोग विरोध कर रहे, जो आपके माननीय मंत्री सेना का अपमान किए उनसे सदन में माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफी नहीं मांगे। उनको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को, और गलवान के शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जेठली के मामला और छपरा में जो हत्या अपहरण लूट बलात्कार का खेल हो रहा है, उस विषय पर सरकार को जवाब देनी चाहिए, एक विशेष आयोग गठित करने का आश्वासन देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या प्रश्न काल को बाधित कर दिया जाना या उचित है? क्या लोगों आप इस शासन पर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि नरसंहार हो गया, लोगों की जिंदगी से प्रश्न काल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये आप ऐसा आप भी शासन पर थे और उस तरह की बात होती थी नहीं, विपक्ष को जो सम्मान देते थे पूरा देश और बिहार देखता था। संसदीय कार्य प्रधानमंत्री एक तरफा नहीं चलता है महोदय, इस तरह से चलानी है तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए और विषय पर डिस्कशन होगा। सदन जबरदस्ती नहीं चलेगी। जबरदस्ती नहीं है, मंत्री डॉक्टर ने माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे हैं कि आसन को सरकार के दबाव में या इशारे पर नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम सरकार की तरफ से सदन को और बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा महागठबंधन की सरकार कभी आसन पर दबाव नहीं बनाना चाहती है, पहली बात। और महोदय आप पूरी तो कर लेने दीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि आसन को सरकार के इशारे पर नहीं चलना चाहिए और हमने समर्थन किया, महोदय उसी तरीके से आसन को विपक्ष के दबाव में भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है, ये भी होना चाहिए। इसलिए आसन सर्वोपरि है, हमने तो कहा कि अगर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कह के आसन नियमन दे देते और फिर आप बीच में आ जाइए तो क्या मतलब है इस कहने का, क्या मतलब है इस कहने का? माननीय नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आप शांति बनाए रखें, माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं,
बोलिए अध्यक्ष महोदय, माइक को बंद नहीं करना है। कह देते हैं आपके बात नहीं मानते हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई करिए जब माइक बंद रहता है। आपके माइक में आवाज है, आप बोले। अध्यक्ष महोदय, गलमान के शहीदों का पिता को जेल भेज दिया गया, ये गंभीर विषय है। एक तरफ शहीदों को अपमान सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसका असर प्रशासन में दिखाई पड़ रहा है कि जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है जमीन माफिया के इशारे पर प्रशासन मिल करके उसको पिता को जेल भेज रहा है। जो मूर्ति स्थापित करना चाहा, जो मूर्ति बनाना बैठे हुए हैं उप मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर वो जवाब दें और माफी मंगवाना चाहिए। शहीद हमारा सेना पूरे देश का सेना होता है, किसी पार्टी का सेना नहीं होता है। और ऐसे मंत्री एक बार बयान नहीं दिए, एक बार बयान देते तो संजोग था। ये प्रयोग कर रहे हैं, इनके मंत्री बेग लगाम है, अलग अलग विषय पर अनाप शनाप सामाजिक समरसता सांस्कृतिक विरासत को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे लोग सरकार में रहने के योग्य नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अवसर दिया गया, आप जो है प्रश्न काल चल रहे हैं तो सरकार जवाब दे। इस पर ये प्रश्न, ये आपने प्रश्न नहीं इस पर किया है कि सरकार से मैं जवाब दूं। आपने जो कहा सरकार उसको आसन सुन लिया। इतना गंभीर विषय है, देश के प्रतिष्ठा सेना के सम्मान से जुड़ा विषय है। जो सेना शहीद होता है उसका पिता जेल में बंद कर दे, क्या ये गुंडा राज है? आपने सरकार जवाब दे। आपने जो कहा उसको अध्यक्ष महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। इन्होंने जिक्र किया गलवान घाटी में जो शहीद हुए वैशाली जिला के आते हैं और वैशाली जिला से ही चुन करके राघोपुर विधानसभा से आते हैं। हमको तो पता नहीं नेता प्रतिपक्ष, जब वो शहीद हुए थे, जब उनकी बॉडी जो है लाई जा रही थी, तो ये गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन हम जरूर गए थे वहां। और अरे भाई सुन तो लो, आप सुन तो लीजिए। माननीय सदस्य जनक सिंह जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जहां बैठे हैं वहां आप बैठिए। नेता हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, आप बैठिए। आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। क्या आप नहीं सुनना चाहते हैं? देखिए आपकी बात तो हम सुन रहे थे। आपके नेता ने प्रश्न किया, आपके नेता ने सवाल उठाया। सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न जवाब के बाद हमारी भी बात को सुनेंगे। ये डिबेट का विषय नहीं बनेगा। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हम तो वहां गए, हमने परिवार जो उनके परिजन थे उनके प्रति हमारी संवेदना भी हम लोगों ने प्रकट की। और दुखी परिवार से जब मिल रहे थे तो उस परिवार की मांग थी कि हमारे बेटे का स्मारक बनाया जाए और द्वार बनाया जाए। उस समय जाहिर से तौर पे हम सरकार में नहीं थे, सरकार में ये लोग थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने उनको बोला कि हमारी पार्टी के तरफ से स्मारक भी बनाया जाएगा और गेट भी बनाया जाएगा। हालांकि काम तो इनको करना चाहिए था, देशभक्त लोग हैं सो कॉल्ड। हम लोग देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करते, हमारे जहन में रहता है महोदय। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात आई, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भैया हम अपने ही फंड से बनवा देंगे। जब काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं हमारा जमीन छोड़ दीजिए, जो बगल का किसी और का जमीन है वहां, जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था वो हम लोग बना सकते थे। लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं यहां नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को
अरेस्ट किया गया है, इसमें इतना जरूर कहेंगे ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय। तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है कानून के तहत। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है, तो हमारे साथ आप तो गए नहीं ना थे, हम तो पूरी बात को जान रहे हैं और हम उसी जिला से आते जहां से वो शहीद हुए हैं, उसी जिला के हैं हम, वहीं से चुन करके आते उसी जिला से। और जो युवा प्रदेश जो युवा का हमारे जिला का अध्यक्ष है पटेल, उसने साफ तौर पे ये जानकारी हमको प्राप्त दी है। तो ये बात लोगों को जानना चाहिए, बिना किसी वजह के एक रूमर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है लेकिन इस आसन पे बैठे, कोई भी हम लोग विपक्ष में थे कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहाँ आते भी नहीं थे, बैठ जाइए आसन पर आप ही चले थे ना। टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना, एक मिनट भाई बात कर रहे ना, अरे आप सुनिए, अरे चलो यार हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती, आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई तो चलो थोड़े देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए, आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना भाई कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको, अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई? हमको लगता है लोग ऊपर जाते हैं जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष जब नेता प्रतिपक्ष तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब ऊंचे आसन पर पहुंचे हैं तो अमूमन है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हृदय बड़ा और विशाल होना चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि जब हम आसन पर थे तो हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, सत्ता पक्ष के संरक्षक मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष बनते थे, और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा। लेकिन आज हमारी बात को अगर जो प्रथम आवर में ही शुरू में सुना जाता और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अब न विधायक हैं न कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। लेकिन ठीक आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपके क्षेत्र का था आपने गए, सेना के प्रति सम्मान रखना, और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आपके मन के अंदर वो नकारात्मक भाव से हट करके सकारात्मक भाव आना समाज के हित में होगा। लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं, तो मंत्री से क्षमा मंगवा लीजिए और निर्देशित कीजिए कि ये समाज को तोड़ने वाला और समाज के ताना बाना में घुन लगाने वाले मंत्री अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने विभाग में करें। क्यों इस तरह की बात आप बैठे हैं, एक बार उनसे स्पष्टीकरण ले और बताएं कि क्यों इस तरह के बयान देते हैं, बिहार को क्यों अपमानित और कलंकित करते हैं, हमारे बिहार की गौरवशाली गाथा में क्यों दाग लगाते हैं, सबसे ज्यादा विद्वान आप ही के लोग क्यों हैं, आप ही के लोग सबसे ज्यादा विद्वान क्यों हैं, क्यों इस तरह के बयान देकर के सांस्कृतिक विरासत पर चोट करते हैं। नहीं, मंत्री बैठे हैं, एक बार क्षमा मांगे, उनसे गलती हुई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो कहना था सो कह दिए, अब शेष तारांकित प्रश्न जो है उसको लिया जाएगा। श्री जय प्रकाश यादव माननीय सदस्य, अब तो अरे अब कितना इसको कितना देर चला, अध्यक्ष